तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही है, जहां अधिकारी ही सरकार की योजनाओं का पलीता लगाते नजर आए। आपको बता दें कि सरकार के विकास कार्यों पर पलीता लगा रहे हैं अधिकारी। लखनऊ के महिलाबाद रोड निर्माण में खेल हुआ है, तो महिला मलिहाबाद में दुर्गागंज से ईदगाह पुलिया निर्माण में खेल किया गया। सड़क की चौड़ाई कम कर नई सड़क बनाई गई है, तो बीजेपी विधायक जय देवी कौशल ने औचक निरीक्षण किया है। निर्माण के दौरान सड़क निर्माण में खामियां पाई गई हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों का बंदरवाड़ का खेल लगातार जारी है। सरकार की विकास कार्यों पर पलीता लगा रहे हैं अधिकारी। लखनऊ के मलिहाबाद रोड निर्माण में खेल किया गया है। मलिहाबाद में दुर्गागंज सईदगाह पुलिया निर्माण में खेल किया गया है। सड़क की चौड़ाई कम कर नई सड़क बनाई गई है। तो इसी खबर पर देखिए जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, एक तरफ तो सरकार जो है उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक कई विकास की योजनाएं दे रही है जनता को, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अधिकारी ही जनता की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। और ऐसा ही मामला सामने आया मलिहाबाद में, जहां दुर्गागंज से ईदगाह पुलिया निर्माण में सड़क निर्माण में खेल किया गया। यहां पर बताया जा रहा है कि जो सड़क है उसकी चौड़ाई कम करके नई सड़क बना दी गई। क्या पूरा मामला है और इन अधिकारियों पर अब किस तरह की आगे कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी पहल कर रहे हैं और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार कर रहे हैं, तो ऐसे में एक मामला देखने को मिलता है मलिहाबाद का, जहां पर जय देवी विधायक है वहां की, जो कौशल किशोर केंद्रीय राज्य मंत्री है उनकी पत्नी है। ऐसे में एक मामला देखने को मिलता है कि एक रोड बनती है और उस पर जिस तरीके से रोड का पूरी तरीके से छोटी रोड बन जाती है, चौड़ी नहीं बनती, उसको लेकर जब निरीक्षण करने पहुंचती हैं जय देवी जी, तो वहां देखते हैं कि रोड के जो चौड़ीकरण होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो पाया, तो उसका निरीक्षण करते हैं और अधिकारियों को फोन करती हैं और तुरंत डांट फटकार लगाती हैं और कार्रवाई करने की बात कहती हैं। इसके बाद फिर एक ट्वीट करती हैं जी योगी आदित्यनाथ को और उसकी पूरी जानकारी देती हैं कि इससे एक बड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल जी अविनाश, हमने ये भी देखा है कि कई बार जो है अधिकारियों की मिलीभगत के चलते रोड बनती है, कुछ महीनों में ही रोड जो है वो खड़ने लगती है, इसके बाद फिर से निर्माण एजेंसियां पैसे खर्च करती हैं और रोड फिर से बनवाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार और जनता का जो पैसा है वो अधिकारियों की मिलीभगत के चलते कई बार जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं और फिर से सरकारी खजाने से पैसे की बर्बादी होती है, और ऐसा ही नजारा एक बार फिर से देखने को मिला है। देखिए बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा गंभीर मामला है कि जिस तरीके से अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं कहीं ना कहीं पूरी तरीके से काम नहीं करते हैं और जो टेंडर आता है टेंडर में भी गालमोल होता रहता है, और जिस तरीके से रोड बनने की एक पूरी टेंडर पास होता है उसके बाद रोड का जो नक्शा पास होता है उसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पूरी तरीके से करते हैं, तो ये एक बड़ी कमी देखने को मिलती है। और इसको लगातार योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इसको लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों में कोई सुधार देखने को नहीं मिलता है। इसको लेकर जब जय देवी विधायक है जो मलिहाबाद से, इसको देखने जाती हैं उसकी और कार्रवाई की मांग भी करती हैं। बिल्कुल जी अविनाश, धन्यवाद आपको इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों का बंदरवाड़ जारी है। मलिहाबाद में दुर्गागंज से ईदगाह पुलिया निर्माण में सड़क निर्माण में खेल किया गया है, तो सड़क की चौड़ाई कम कर बनाई गई है नई सड़क, तो बीजेपी विधायक जय देवी कौशल ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़क में कई खामियां पाई गई और विधायक ने अधिकारी को फोन लगाकर फटकार भी लगाई, साथ ही विधायक जय देवी ने मामले को लेकर सीएम को भी ट्वीट किया है।